नमस्कार, मायमाउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, मायमाउली एक विशेष स्टोरी पर ध्यान देती है और उस विशेष स्टोरी पर फोकस करती है। दो दिन पहले हमने एक विशेष स्टोरी डाली थी, पाठन, मांगरूड और बेला में पाम ऑयल की जो खेती है वो किस तरह से किया जाती है, उसको कितने साल के बाद पीक आता है। ये तो ठीक है, हमने इसके पहले एक स्टोरी डाली उस पर भी आपका ध्यान गया होगा। अभी हम आज यहाँ पर दहकाव शिवार में आए हैं, जिनका अभी जो किसान भाई है उनका नाम है सुनील गंभीर राव वानखेड़े। अभी ये वानखेड़े जो है इस धुक्काले में खेती कर रहे हैं, यानी धुक्काले में खेती हर कोई करता है, जैसा कि फली डालते हैं, सोयाबीन डालते हैं, चना डालते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन सुनील वानखेड़े ने जो बारिश में हम लगाते हैं, जैसा कि मिर्च के बाद जून में जो कपास लगाते हैं, वो इन्होंने बहुत जल्दी कपास लगा दी। इन्होंने जो कपास है वो दिसंबर में लगाई। अब देख सकते हैं कि मेरे पीछे इन कपास का नतीजा, अभी ये जो कपास है इसकी पेरनी दिसंबर में हुई और मई तक पूरा खेत जो है अप्रैल के 15 या 20 तारीख तक पूरा खेत खाली हो जाएगा। इनके पास जो टाइम बचेगा जून की फिर से तैयारी के लिए, फिर से कपास लगाएंगे या तो कोई सोयाबीन लगाएंगे जून में लगाने, तो ये मई में ही पूरा खेत को खाली कर देंगे, ये खेत पूरा खाली हो जाएगा। देखिए, अब धुपकाले में कपास लगाने के सुनील जो गंभीर राव जी है उनका कहना ऐसा है कि इसमें जो अड़ी जो अल्ली बोलते हैं हम जिसे, वो नहीं आता और इसमें जितने भी फूल बनते हैं वो पतझड़ से जो फूल है वो गिरते नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से ऊपर के जो पानी आता था उसके वजह से फूल गिर जा रहे थे। अभी जितनी भी घाटी बनती है वो पूरी क्या पूरी घाटी काम में आती और फायदे में रहती। अभी इसको खाद भी कम लगता, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा जो टेंशन किसान को रहती है, काश्तकार को रहती है, वो नींदने की रहती है, क्योंकि लेबर ज़्यादा मिलते नहीं, इसीलिए किसान सबसे ज़्यादा उसके जो नींदने की जो टेंशन होती है, जब घास बढ़ जाता है अपने खेत में तो वो रात रात भर सो नहीं सकता। लेकिन अभी धुपकाले में जो लगाते हैं तो उसके उस वजह से इसमें खेत में जो है घास भी नहीं गिरता। दर्शकों, हमारा बताने का मतलब ये है कि किसान भाइयों को समझाने का मतलब ये है कि हमारी जो किसान जो होता है वो कोई उद्योगपति नहीं होता है और उसका तो दूसरा कोई कारोबार नहीं होता, उसका जीना मरना इस खेत के भरोसे पर, इस ज़मीन के टुकड़े के भरोसे पर रहता है और ज़मीन का सीना चीर के अपनी रोजी रोटी जो निकालता है उसका घरदार संसार और बीमारी शुमारी सारे चीज़ों में उसको काम आता है। जो सोयाबीन लगाते हैं, अभी इसके पहले इस खेत में सोयाबीन लगा हुआ था और सोयाबीन निकालने के बाद तुरंत कपास लगा दी गई है। इस खेती को 12 महीने कर सकते हैं अगर किसान एक्टिव हो जाए और जिस किसान के खेत में पानी की सहूलत हो वो किसानों की। सुनील भाई, आप ये जो खेती धुपकाले में लगाने का जो आपको कैसा क्या निर्णय लिए आप, और आपको किससे प्रेरणा मिली, या तो कहीं आप देखे क्या कभी धुपकाले में कपास निकाल कर जो भी पानी है उसको बढ़ावा देने के लिए, आपको कैसा लगा? आकुरले में लगाए थे, हमारे में जैनत मंडल के आकुरले में, जैनत मंडल के आकुरले में हमारे रिश्तेदारी थे। अच्छा, दिवाकर राउत बोल के, हाँ उन्होंने लगाए तो उन्होंने बोले थे लगाते कि बोल के, बाद में मैं यहीं के नहीं कहने था उनको बोला, उनको बोला तो उन्होंने भी बोले लगाओ, फिर बोले दो बैग को भी बोले दो बैग लगाओ, बोले तो मैं क्या करा, 2 एकड़ लगा दिया टेस्ट के वास्ते, देखेंगे अनुभव लिए तो काश्तकार को समझ में आता सही, उस वजह से लगाया। अभी देखो, अभी तो पोजीशन ठीक है, अभी 20-25 फीट घाटी है, अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीने के बाद टूटा कपास,
काटने के बाद अपन बोले तो एवरेज समझ में आ जाता। अच्छा, कितने थैली लगाए आप? चार थैली। पॉपुलेशन लगाए यानी दो एकड़ में चार थैली, साढ़े तीन थैली बैठी। साढ़े तीन चार थैली बैठी, दो एकड़ में पॉपुलेशन लगाए, साढ़े तीन का फटा है। अच्छा, अब हमारे दर्शकों को, किसान दर्शकों को बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मुसीबतें हैं या कौन सी आसानी क्या है इसमें? आसानी कुछ भी, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ पानी होना, पानी होना जरूरत। चार बार खाद हुआ। अच्छा, स्प्रे है कि नहीं? पांच बार हो गए। अच्छा, स्प्रे भी करना पड़ेगा? हाँ, स्प्रे करना ही लगता। अभी ये जो अली वगैरह आती है, अली नहीं, गुलाबी अली, गुलाबी अली का प्रॉब्लम बोल रहे थे लोगा, गुलाबी अली के लिए अभी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। कौन सी अली? टच अली भी नहीं है अभी तक, कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई तो दिक्कत अभी तक नहीं आई। अच्छा, तो अब अगर आपका जो काम सक्सेस होने के बाद में, कि आप सभी किसानों को बताएंगे क्या? सभी किसानों को बता के लगाने लगा सकते अपने रिक्शे पे। अच्छा, हाँ। तो पहले इसको सोयाबीन की पीक निकालना पड़ेगा। सोयाबीन निकलने के बाद इसको कपास को तुरंत डालना पड़ेगा, तुरंत डालना पड़ता। तो फिर अभी अप्रैल या मई महीने तक आ जाता अपना हवर लगे तो एक महीना लेट होगा लगाने में। अच्छा, नवंबर में लगाना। अच्छा, नवंबर में लगाते तो अभी तक पैक हो जाती थी परत। कोई परेशानी तुम्हारे को? अभी कुछ भी परेशानी नहीं, अभी तो सही है। पानी जाने